नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देश ने एकजुटता की परिभाषा को बताया है, कैसे देश एकजुट है। पहले देखिए किस तरीके से लाइव सिटीज के जितने हमारे सहयोगी हैं, जितने टीम मेंबर्स हैं, वो सभी फ्लैश लाइट जलाकर ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से जो जंग हमारा देश इस वक्त लड़ रहा है उसमें वह पूरी तरीके से साथ हैं। और ये टॉप व्यू एंगल लाइव सिटीज आप तक पहुँचा रहा है। सबसे पहले किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में छत पर निकल चुके हैं, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को बरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपील किया था 9 बजे 9 मिनट तक, आप तस्वीरें देख सकते होंगे पूरी तरीके से किस तरीके से कई लोगों ने आतिशबाजी करनी शुरू कर दी है। और ये तस्वीरें लाइव सिटीज आप तक पहुंचा रहा है। घरों में दिए जलने लगे हैं, लोग अपने अपने छतों पर निकल चुके हैं। उधर दूर तलक जिसे देख सकते हो किस तरीके से लग रहा है जैसे कि पटना जो है वो अयोध्या बन गया है। दीपावली जैसी झलक देखने को मिल रही है, दीपोत्सव जैसी झलक देखने को मिल रही है, दीपों का त्यौहार दिवाली लग रहा है जैसे कि आ चुका है। और देश ने ये परिभाषा दी है एकजुटता की एक बार फिर से कि कैसे देश के जो लोग हैं वो एक साथ रहेंगे इस लड़ाई में, इस जंग में। वो अकेले नहीं हैं, सभी उनके साथ हैं, सभी को कहीं ना कहीं भय है। हाँ, माना कि देश में 4000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन इन सभी लोगों ने दीप जलाकर ये बताया है, लाइट्स को बंद करके ये बताया है कि ये सभी लोग एक हैं, इस अंधियारे को मिटाएंगे। ये जो दीप जल रहा है ये दीप प्रकाश फैलाएगा हमारे समाज में। और जो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, तस्वीर देख सकते हैं, घरों से बाहर निकले हैं, छत पर आ चुके हैं, बालकनी में आ चुके हैं। और ये टॉप व्यू एंगल चारों तरफ आपको देखने में लग रहा होगा। तस्वीरें आप देख सकते होंगे कि दीपावली आ चुकी है, दीपों का त्यौहार आ चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी एम्स के बाहर दिया जलाया है। और जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, उन सभी ने दीप जलाया है। और इस वक्त ये पटना राजधानी की ये तस्वीरें सबसे ऊंचाई से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ आप देख सकते होंगे दूर तलक घरों में दिए जल रहे हैं, छत पर दिए जल रहे हैं, आतिशबाजी भी हुई है, पटाखे भी छूटे हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। ये बताया है कि भगवान अभी है, भगवान अभी जीवित है। और जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग सहमे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो अकेले हैं, सभी लोग साथ में है, सभी लोग एक साथ खड़े हैं। देश की जो एकजुटता है वो दिख रही है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने जो चाहा था देश को एकजुट करने की बात कही थी, देश को एकजुटता दिखानी होगी ये बात कही थी, वो बात अंततः सत्य निकली। कुछ दिन पहले जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था उस वक्त भी देखिए किस तरीके से आतिशबाजियाँ हो रही हैं पटना में। चारों तरफ तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान कि वह देश में सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि उन लोगों के लिए जो लोग अपने घरों से बाहर हैं, डॉक्टर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, पुलिस हैं, उन सभी के सम्मान में आप सभी ताली और थाली बजाएं। उस वक्त भी ताली और थाली बजाई गई थी और आज सभी लोगों ने दीप जलाकर यह बता दिया है कि सभी लोग देश के जितने 130 करोड़ देशवासी हैं वो सभी एक हैं। हर जगह का नज़ारा बिल्कुल वही है। 9 बजकर 9 मिनट हो चुके हैं और ये तस्वीरें आपने देख ली हैं। अब तक की सारी तस्वीरें लाइव स्ट्रीम आप तक पहुंचाई हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहें, हम हर खबर सबसे पहले आप तक ला रहे हैं। 22 जो पेशेंट थे वो कुछ दिन पहले तक थे लेकिन अभी 32 हो चुके हैं। और कोरोना पेशेंट्स की संख्या बिहार की अगर हम बात करें, और आप देखिए किस तरीके से पटाखों की आवाज़ भी आ रही है, चारों तरफ लोग आतिशबाजियां कर रहे हैं। दूर तरह तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे होंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे चारों तरफ किस तरीके से दीप जल रहे हैं। और ये दीपोत्सव पटना में इस वक्त देखते बन रहा है। घरों के अंदर की अगर हम बात करें तो घरों के अंदर भी जो लोग इस वक्त सुरक्षित हैं वो अपने घर के अंदर दीप जला रहे हैं। वहाँ की भी तस्वीरें इस वक्त लाइव स्ट्रीम आप तक पहुँचा रहा है। कई युवा जो सड़कों पर थे, झंडा तिरंगा लेकर थे, उन्होंने भी अपने घर से बाहर निकल कर देश की एकता का परिचय दिया और ये कहा है कि देशवासी एकजुट हैं और हम सभी इस कोरोना वायरस के संक्रमण से मिलकर लड़ेंगे। लड़ाई हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जल्द ही इसका खात्मा होगा। कोरोना वायरस को भारत से जाना ही होगा। भले ही 4000 लोग संक्रमित हुए हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के उपचार हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देश में जो मरने वालों की संख्या है वो अभी कम है। हाँ, कुछ लोग मरे हैं लेकिन ज़्यादातर लोग, 200 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं, घर जा चुके हैं। और ये तस्वीरें जो पटाखे की जो गूंज है वो भी आप सुन रहे होंगे, लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। और ये तस्वीरें आपने देख ली हैं लाइव सिटीज़ के माध्यम से। इन सभी तस्वीरों को देखकर आज हर बिहारवासी, हर देशवासी ये जान गया होगा कि देश एक साथ है, एकजुट है। ये दीपों का जो एक तरह से त्यौहार मनाया गया है उस उजाले से लोग अस्वस्थ हो गए होंगे कि आप
अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, साफ सुथरे वातावरण को मनाइए और इन सभी बातों का जो जिक्र है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। दीप किस तरीके से जल रहे हैं बैल्कोनीज में, छत पर, ये सभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। कुछ लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं, हालांकि पटाखे फोड़ने को मना किया गया था, लेकिन खैर लोगों का जो ये उत्साह है, ये उमंग है कि हाँ हम कोरोना को हरा देंगे, हाँ हम कोरोना को भगा देंगे, ख़त्म कर देंगे इस देश से, हम सुरक्षित रहेंगे, हम साफ रहेंगे, हम मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र लगाएंगे, हाथों को साफ रखेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे, अफवाहों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ये परिभाषा देश के लोगों ने आज दे दी है ये दीपोत्सव मनाकर। लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करना भूलें, क्योंकि लाइव सीरीज हर पल की अपडेट्स खबर आप तक लेकर आ रहा है। धन्यवाद।